हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जैसा कि यार आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि भाई हमने अपने भाई टैक्सी बिजनेस शुरू कर दिया था। अगर भाई आपने नहीं देखी वो वाली सीरीज जाके आप देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आज यार एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है यार हमारे टैक्सी स्टैंड के ऊपर। भाई किसी ने भाई हमला कर दिया, जो कि भाई बहुत ही यार गोलियों की बारिश हो रही है। तो अभी मेरे को यार फटाफट अपनी बाइक लेके वहाँ पर जाना पड़ेगा। और अगर यार आप सभी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार। आपको ये वाली सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यार। पता नहीं यार ये कौन सी गैंग यार हमसे बदला लेने वाली है। भाई हमने सारा कुछ काम खत्म कर दिया था भाई। अब हम बिल्कुल यार मतलब ऐसे आराम से अपना काम कर रहे थे भाई, इसीलिए मैंने टैक्सी बिजनेस यार शुरू करा था। बट भाई फिर भी कोई ना कोई गैंग हमसे यार रिवेंज लेना चाहती है। तो अभी भाई चलते हैं और देखते हैं भाई वहाँ पे क्या कुछ सीन है। भाई मेरे पास किसी का फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे भाई भाई बहुत ही बुरी तरह से गोलियाँ चल रही हैं वहाँ पर। तो अभी यार मैंने फुल स्पीड में अपनी बाइक भगा के भाई यहाँ से जा ही रहा हूँ। भाई आज देख रहे हो लॉस सैंटोस के अंदर भाई ट्रैफिक कितना है। जिस दिन यार हमें काम होता है भाई उस दिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना। और भाई अभी देख रहे हो भाई बाइक हवा में उड़ गई थी। और अभी देखते, और भाई ये क्या होगा। अरे भाई साहब ये भाई ये गाड़ी वाइट वाला गाड़ी वाला भाई गया भाई भाई बाइक का भाई गंदे वाला एक्सीडेंट हो गया यार हमारा। और भाई एक गाड़ी वाले ने ऊपर भी, अरे भाई ये क्या है, सभी लोग गैंग में मिले हुए हैं क्या भाई। भाई मुझे तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, इतना ट्रैफिक और भाई सभी के सभी लोग यार हमारे अंदर टक्कर क्यों मार रहे हैं भाई। पता नहीं क्या कुछ हो रहा है सीन। भाई फटाफट चलते हैं भाई, हमारा टैक्सी स्टेशन दूर नहीं है, काफ़ी पास आ चुके हैं। और वहाँ पे चल के देखते हैं भाई क्या सीन है। भाई सारे गाड़ी वगैरह डर रहे हैं भाई, क्योंकि गोलियों की आवाज़ मेरे को भी सुनाई देने लग गई है, इसीलिए भाई ये गाड़ियाँ इतनी स्पीड के अंदर थी। तो भाई अभी हम बैक साइड से चलते हैं भाई, यार यहाँ से अंदर चलते हैं भाई। कवर लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मेरे पास तगड़ी गन है बट भाई हमें कुछ भी नहीं पता कितने ज़्यादा भाई बंदे वहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं। तो अभी फटाफट चलते हैं भाई इस डस्टबिन के पास। यहाँ से भाई हम जंप करके इस की रूफ पे चले जाएंगे और भाई वहाँ से हम लोग कवर लेके आराम से सारे बंदों को डाउन कर सकते हैं। तो अभी यार आप सभी लोग देख सकते हो भाई दो बंदे गेट के ऊपर खड़े हैं और सारे सारे बंदे भाई गाड़ियों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं धड़ाधड़। और भाई देखो इन बंदों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं भाई, ये अभी भी अपनी गाड़ियों के ऊपर ही फायरिंग कर रहे हैं। तो अभी मैंने सारे बंदे डाउन कर दिए, तो अभी चल के भाई नीचे देखते हैं इसकी बैस की टांग। भाई मैं यहाँ पे नीचे गिर गया भाई, शुक्र है भाई मेरे को कुछ चोट वगैरह नहीं लगी एक बंदे में, बट भाई अभी भी जान भाई बाकी है। अभी चल के उसको पहले डाउन करते हैं भाई। अभी भी वो फायरिंग कर ही जा रहा है भाई हमारी गाड़ी के ऊपर। भाई इतनी ज़्यादा क्या जान बची भाई इस बंदे के अंदर। तो फटाफट भाई इसको एक लात बजाते हैं। और भाई देख रहे हो पुलिस भाई, अभी तक पुलिस भाई एलपीडी वाले कोई भी नहीं आए थे, कोई सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं थी। और भाई मैंने जैसे ही गोली चलाते भाई ये सारे बंदे आ चुके हैं। तो एक बार चल के इनसे बात करते हैं क्या कुछ सीन रहने वाला है भाई, इनको अपनी भाई FIR वगैरह कुछ भी करवाते हैं। तो यार एक गाड़ी भाई मेरे पास आ रही, तो मैं फटाफट चल के भाई उन्हीं ऑफिसर से बात करता हूँ क्या कुछ सीन रहने वाला है, देखते हैं भाई। तो ये गाड़ी काफ़ी पास आ चुकी है, तो अभी वो दोनों ऑफिसर नीचे उतर चुके हैं। तो एक बार उनकी तरफ चल के देखते हैं भाई ये क्या, ये तो मेरी तरफ ही फायरिंग कर रहे हैं यार। भाई मेरे को यहाँ से एस्केप करना पड़ेगा वरना भाई ये तो मेरे को मारने वाले हैं। भाई ये सोच रहे हैं मेरे पास अभी भी गन है और मैं इनको भी डाउन कर दूंगा। और भाई एक गाड़ी पीछे से आ चुकी है, तो अपनी बाइक लेके भाई मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो अभी फटाफट यहाँ चलते हैं भाई। ये अभी भाई अभी फायरिंग करें भाई, एक बंदा गाड़ी वाले ने डाउन कर दिया है। अभी भाई ये क्या कर दिया भाई पुलिस वाले ने, भाई ये तो भाई काफ़ी गलत सीन एक्सीडेंट हो चुका है। अभी फटाफट यार मेरे को भागना पड़ेगा भाई, मेरी हेल्थ बिल्कुल कम बच चुकी है यार, कभी ये मेरे को डाउन ही ना कर दे। अभी फटाफट गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई, ये ऊपर क्यों चढ़ गया यार। और भाई इन्होंने गोलियाँ मार दी हैं यार, मेरी भाई हेल्थ काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो आज एक महीना हो चुका है भाई मेरे को अभी तक होश नहीं आया था। होश आते हैं भाई, मैंने देखा मेरे कपड़े चेंज हैं भाई, मेरे हेयर और मेरे बियर्ड भाई दोनों ट्रिम करके बिल्कुल छोटे छोटे कर दिए हैं। और भाई ये LPD की कार्ड यार मेरे को पता नहीं कहाँ पर लेके जा रही है भाई। पुलिस वालों ने सायरन वगैरह बजा दिए अपने, अभी देखते हैं भाई ये कहाँ पर लेके जा रहे हैं भाई। मेरे को तो लग रहा है भाई अपने को हो चुकी है जेल, तो भाई ये गाड़ी मेरे को जेल में ही लेके जा रही है। तो अभी देखते हैं भाई ड्राइवर कितना यार मतलब कैसे गाड़ी चला रहा है भाई, देखो कितने मतलब रूल्स फॉलो करके भाई ये बंदा गाड़ी चला रहा है। अभी दो ऑफिसर भाई पहले भाई मेरे को इस गाड़ी के अंदर बैठा के गए हैं। अभी देखते हैं भाई ये गाड़ी मेरे को कहाँ पर लेके जाएगी। बट भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, मेरी कोई गलती थी नहीं भाई, उन गैंग वाले बंदों ने भाई मेरे टैक्सी स्टेशन पर हमला करा भाई। मैंने तो भाई उनको ही मतलब अपनी टैक्सियाँ बचाई भाई मैंने, बट भाई देखते हैं भाई किसका हाथ है इसके पीछे, कुछ भी अभी भाई मेरे को कुछ भी नहीं पता है। और अभी ये मेरे को जेल के अंदर ले जा रहे हैं, तो भाई वहाँ से भी यार अभी भागना पड़ेगा वरना यार हमारा सारा टैक्सी का बिजनेस खत्म हो चुका है भाइस। हमारी गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ ये बंदे ले जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं भाई जेल के बिल्कुल बाहर।
तो अभी चलते हैं भाई अंदर और देखते क्या कुछ सीन रहने वाला है। ये गाड़ी भाई हमें बिल्कुल अंदर तक छोड़ के आने वाली है, और भाई मुझे पता था वो ही हो चुका है भाई, मेरे को जेल के अंदर डाल रहे हैं भाई ये बंदे। अभी देखते हैं भाई यहाँ से बेल कैसे होगी भाई। ये भाई बिल्कुल जंगली है भाई, ये पुलिस वाला यार कुछ रोक ही नहीं रहा भाई बैरिकेड्स के आगे, भाई ऐसे गाड़ी को ठोक रहा है। और यहाँ पे देख लो अंदर कितनी आराम से चला रहा है, आगे से गाड़ी के डैमेज देखो एक बार आप सभी लोग। यार गाइस आप सभी लोग कमेंट करके मेरे को बताओ कि भाई किसका हाथ हो सकता है भाई इसके अंदर। और भाई मेरे को लग रहा है भाई पुलिस भी उनके साथ ही है, इसीलिए भाई मेरे को यहाँ पर जेल में डाल दिया है। और भाई ये क्या कर रहा है भाई पुलिस वाला, दीवार के अंदर इसने गाड़ी को भाई घुसेड़ दिया है। तो अभी चलते हैं भाई अपने पेपर वर्क और भाई इसके कपड़े पहन ही लेते हैं प्रिजन के। तो अभी चलते हैं भाई आराम से उस गेट के पास, भाई हमें जो भी पेपर वर्क सब कुछ करना पड़ेगा और अपने कपड़े भाई जो भी चेंज करने पड़ेंगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैंने भाई अपने पेपर वर्क सब कुछ कंप्लीट करके अपने कपड़े पहन लिए हैं, तो हम लोग आ चुके हैं जेल के अंदर। अभी भाई मैं आपको जेल का एक छोटा सा टूर दे देता हूँ भाई। यहाँ पे अभी जिम खाली पड़ी है, शायद अभी टाइम नहीं हुआ है बंदों के जिम का। और देख रहे हो भाई कितने ज़्यादा खतरनाक से कैदी मेरे को लग रहे हैं भाई, मैं तो आज तक जेल नहीं आया हूँ, तो मेरे लिए तो यार बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही भाई यहाँ पर आकर। अभी आगे चल के भाई कुछ बंदे हैं भाई, उनसे देखते हैं बातचीत होती है या फिर नहीं। भाई इनके अलग से ही ग्रुप बन रखे हैं भाई, यहाँ पे गैंग वगैरह जो भी इनकी पता नहीं मेरे को भाई, देखेंगे बाद में भाई। बट यार मेरे को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार मेरे साथ भाई किन बंदों ने क्या भाई सीन किया है, और पुलिस ही भाई इनके साथ मिली हुई है। तो देख सकते हो यार यहाँ पे भाई अंदर ही अंदर गैंग्स बनी हुई है, अलग अलग सब भाई अपने बंदे भाई अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए हैं। तो अभी आगे चल के मेरे को बंदे दिख रहे हैं भाई, और ये भाई ये बंदा कितना खतरनाक है भाई, इसके बाल वगैरह देखो एक बार भाई, बॉडी तो काफ़ी बढ़िया बना रखी है इसने। यार मुझे भाई ये बंदा एक सही दिख रहा है भाई, जो बेंच बैठा है इससे बातचीत करता हूँ। तो भाई इससे बातचीत, यार बोल ही नहीं बंदे, क्या बात है भाई बोलते भी नहीं रहे, क्या दिक्कत है इनको भाई। अभी चल के जिम भाई, जिम में अभी बंदे आ चुके हैं, आपको मैं जिम के अंदर लेके चलता हूँ। इसका एंट्रेंस कहाँ पे भाई वो देखते हैं। ये बंदे भाई बाहर से भी लोगों को देख रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए भाई, मेरे को तो इसका भाई एंट्रेंस नहीं गाइस, मिल गया भाई, वो उस साइड है। ये बाहर से बंदे भाई एक्सरसाइज वगैरह करो, अंदर आके भाई बाहर से क्या देख रहे हो पता नहीं। तो भाई यहाँ पे देखो भाई ये बंदे भाई यहाँ पर कितनी तगड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और भाई एक बंदा पुशअप्स मार रहा है, और ये बंदे भाई बेंच प्रेस मार रहे हैं। और भाई ये बंदा क्या कर रहा है भाई, दलदल के अंदर फंस चुका है ये बंदा, पता नहीं भाई क्या ही कर रहा है। और इसने हाथ में रोड ले रखी है भाई, इस बंदे ने देखो भाई कितना ज़्यादा वेट उठा रखा है। और भाई एक भी बेंच प्रेस नहीं मार रहा, पता नहीं इस वेट को लेके हाथ में क्या कर रहा है। और भाई तगड़े तगड़े बंदे भाई अपनी बॉडी वगैरह बना रखी है, मैं भी जंप करके देखता हूँ भाई, बट भाई मेरे से अभी कुछ भी नहीं हो रहा यार। भाई मैंने आज तक जिम वगैरह मारी नहीं, तो भाई कैसे क्या कुछ होगा। तो अभी देखते भाई क्या कुछ करते हैं। तो यार अभी चलते हैं भाई जिम से बाहर, और भाई डंबल वगैरह काफ़ी बढ़िया है। बाहर से क्या देख रहे हो यार तुम लोग। तो यार आज की वीडियो में बस यार इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके।